एवरीवन, सो क्रिसमस इज हियर। और क्रिसमस की अगर विश इस बार टू सेंटा क्लॉज अगर मैं बताऊं तो वो ये होगी कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाए किसी तरह से, कोरोना वायरस हमारी जिंदगी से गायब हो जाए, क्योंकि बहुत जाने गई है और बहुत डर में हम जी रहे अब तक। तो आई थिंक दिस विल बी माई विश फॉर दिस ईयर कि इस बार ये पैंडेमिक सेंटा क्लॉज प्लीज खत्म कर दो आप। सो दैट विल बी माई दिस ईयर्स विश फॉर क्रिसमस। अगर मैं अपनी क्रिसमस की यादें जो सेंटा क्लॉज से हम विशेज मांगते थे बचपन में, वो अगर मैं ताज़ा करने जाऊँ तो हम स्कूल में, मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो वहाँ पे हमेशा हम क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदते थे एंड दैट्स हाउ हम सीक्रेट सेंटा उस टाइम पे भी करते थे। तो वो मेरी बहुत यादगार मेमोरी है कि गिफ्ट्स खरीदना उस टाइम पे तो पता नहीं चलता था, तो छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, हाँ, और वो इनोसेंस में प्यारी प्यारी चीज़ें लिखना, ये सब हम करते थे फॉर फ्रेंड्स। सो वो मुझे याद है एंड दैट्स अबाउट इट। दैट इज़ माई क्रिसमस मेमोरीज। आप सभी एन टी वी दर्शकों को मेरी तरफ से, यानी कि श्रीनु परिक की तरफ से, मेरी क्रिसमस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभांगी आत्रे, आप सबकी चहेती अंगूरी भाभी। और क्रिसमस बस आ ही गया है, तो मैं सेंटा क्लॉज से क्या मांगने वाली हूँ? डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि थर्ड वेव बिल्कुल भी नहीं आए इंडिया में, और वैक्सीनेशन वैसे तो बहुत हद तक खत्म हो चुका है, जितना बचा है वो भी जल्दी से हो जाए, और ओमिक्रॉन बिल्कुल ही पूरी तरह से जो है, अगर हमारी भाषा में बोलेंगे तो लुल पड़ जाए और चला जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज मांगूंगी, सब लोग हेल्दी रहें और 2022 हम सबके लिए ढेर सारी हैप्पीनेस लेके आए। बचपन की याद मेरी क्रिसमस की, तो यस, हम बचपन में बहुत बिलीव करते हैं इस तरह की चीजों में, मतलब मैं अभी भी करती हूँ। आई बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन सेंटा। सो मैंने एक बार जब मैं स्कूल से कॉलेज में मेरा ट्रांजिशन होने वाला था, तब मैंने लिख के रखा था कि मुझे स्कूटी चाहिए थी, और तब मेरे फादर सेंटा के रूप में आए और उन्होंने मुझे स्कूटी गिफ्ट दी। तो वो मेमोरी है, और बस दैट्स इट। और आप सबको मैरी क्रिसमस, बी हैप्पी एंड एंजॉय द फेस्टिव सीजन, लॉट्स ऑफ लव। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी, आपका चहेता भाभी जी घर परे की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, सबसे पहले तो आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं क्रिसमस से। हम नागपुर में रहा करते थे, उस समय जो है जैसे ही क्रिसमस का त्यौहार आता था, हर घर में एक स्टार लगा होता था, जगमग करता हुआ स्टार। हर घर में केक कटते थे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहा करते थे, और हम जो हैं उनके घरों में चुपके से घुस जाते थे और फिर वो हमें वह केक, बढ़िया बढ़िया केक खिलाया करते थे। वहीं से हमें सेंटा क्लॉज का कॉन्सेप्ट पता चला था। फिर उसके बाद जो है बचपन की मेमोरी ये रही कि मेरी मदर भी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ा करती थी, तो वो हमें कहती थी कि बेटा, रात को जो है ना सेंटा क्लॉज आता है और वो बहुत सारे गिफ्ट देता है, तो तुम क्या मांगना चाहते हो? तो मैंने कहा, मम्मा मेरे को ना एक छोटी सी खिलौने वाली कार चाहिए। तो बोलती, बेटा उसको ना एक पेपर पे लिख लो। तो मैंने वो पेपर पे लिखा, और नेक्स्ट डे पता नहीं उनके और मेरे पापा के बीच में क्या खिचड़ी पकी होगी, मेरे पापा ने लाके वो गिफ्ट जो है वो मेरे सिराने रख दिया। और मम्मी ने कहा, बेटा ये सेंटा क्लॉज ने रखा है जो आपके पापा के रूप में आया था। वो कार जो है मुझे कई सालों तक नहीं भूली। तो ये क्रिसमस की एक बड़ी खूबसूरत मेमोरी मेरे साथ जुड़ी है, और ये नागपुर की यादें जो हर घर में जाकर जो है थोड़ा 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 केक खाते रहना। तो आपको एक बार फिर क्रिसमस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार मैं सेंटा से यही विश मांगूंगी कि ये कोविड जो भी चल रहा है, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, और मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, रिलैक्स होना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी तक नहीं जा पाई। और सीक्रेट सेंटा जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, तो बहुत ही अच्छा एक सस्पेंस था उसमें, कि हम सब फ्रेंड लोगों ने गिफ्ट खरीदे थे अपने अपने पैसों से, और फिर उसी गिफ्ट को अलग अलग बॉक्स में हम लोगों ने पैक किए थे। और मैं यही सोच रही थी कि जो मैंने खरीदा है वो ही मुझे मिले, और ऐसा ही हुआ कि मुझे मेरा ही गिफ्ट मिला, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी उस दिन। सो आप सभी को सपना, मतलब आपकी प्यारी विमलेश की तरफ से मैरी क्रिसमस। थैंक यू। नमस्कार,
मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मेरी तरफ से सब व्यूअर्स को अ वेरी मैरी क्रिसमस, अ हैप्पी क्रिसमस, अ हेल्दी क्रिसमस, और आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, बस यही। इस ईयर मैं सैंटा से यही मांगूंगी कि ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, इसको कंट्रोल करें और कोविड इतना ना फैले, और ताकि लोग रियली क्रिसमस एंजॉय कर सकें, और लोगों में जो क्रिसमस की स्पिरिट है वो क्रिसमस जहाँ तक हम जानते हैं क्रिसमस इज़ अबाउट गिविंग और गिविंग टू अदर पीपल, क्योंकि क्रिसमस में लोग सब मिलते हैं, आपके अपने लोग और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट्स देते हैं। तो मैं सांता से ये मांगूंगी कि जो नीडी है उनको गिफ्ट दें। और क्रिसमस मेमोरी की बात है, हम लोग देहरादून में रहते थे तो हमारे फ्रेंड थे क्रिश्चियंस, वो क्रिसमस मनाते थे, तो हमें याद है कि उनकी मम्मी मिसेस हेंसमैन, वो श्रीलंका से थी, तो वो जिंजर वाइन बनाती थी। उस वक्त तो बहुत कड़वी लगती थी हमें, लेकिन हमको पीना पड़ता था, और एक प्लम केक बनता था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो कैरल सिंगिंग इंग्लिश गाने गाती थी और हम लोगों को भी शामिल करती थी। तो हम लोग शाम को घूम घूम के जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, और इस तरह के क्रिसमस कैरल्स गाते थे। ये क्रिसमस की मेमोरीज है। तो भैया नमस्कार, हम बोल रहे हैं आपके अपने चहेते दरोगा हप्पू सिंह यानी कि योगेश त्रिपाठी, और दादा हम जो कह रहे कि सभी दर्शकों को पहले सबसे पहले तो हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस, और अगर हमारे सामने दादा सेंटा क्लॉज आ जाए ना तो हम सबसे पहले कहा कि इतने बिजी हैं, दो दो शो में तरस गए बाहर घूमने को, और ऊपर से कोरोना नाम की कहीं ओमिक्रॉन, तो दुनिया की सारी चेराने फैली हैं, तो हम अगर हमारे सामने आए तो हम सबसे पहले जो मांगे कि सेंटा जी सबसे पहले जो कोरोना नाम की जो चिरांद है जो फैल गई है बाको समाप्त करो, हम तड़प रही हैं, कब जाएं फैमिली के साथ घूमें फिरें, चाट पकौड़ी खाएं, जिंदगी को मजा लें। तो भैया हम तो यही विश मांग रहे, साथ में जो भी विश मांग रहे कि हमारे शो को दर्शकों को जो प्यार मिल रहा हो ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे, और दरोगा हप्पू सिंह कई साल तक लोगों के प्यार की न्योछावर खाता रहे। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस।